तो हे व्हाट्स गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में यार हम बनाने वाले हैं इमॉर्टल एसएमपी में बहुत ही बड़ा इंडियन फ्लैग, और ये छोटा मोटा इंडियन फ्लैग नहीं होने वाले। तो इसलिए यार हमें टोटल 6 सल्कर ग्रेवल और 6 सल्कर सैंड चाहिए थे। और आज क्या है, आप सभी को पता है, तो आप सभी को गाइस हैप्पी रिपब्लिक डे। और इन भाई साहब को पता नहीं कहीं तकलीफ होने लग जाती है, मेरे को ट्राइडेंट फेंक के मारने लग जाते हैं। तो देखो यार, काश मैं ट्राइडेंट उठा सकता था। चलो फटाफट जाके इस भाई साहब को मारते हैं। यार ये ट्राइडेंट तो ड्रॉप करेगा नहीं, मेरे को पता है। लूटिंग 3 लगी है शायद। चलो छोड़ो, तो फटाफट इसको मार के हम निकलते हैं इधर से सैंड और ग्रेवल जमा करने के लिए, क्योंकि यार हमें एकदम भाई अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं 25 तारीख में हूँ, तो मैं आपको गाइस एकदम पास्ट से बात कर रहा हूँ। तो हे गाइस, फ्यूचर में क्या क्या हो रहा है बता दो कमेंट में। तो चलो यार इधर से निकलते, क्योंकि इधर यार हमें और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये 2 स्टैक ही सैंड जमा किया अभी तक मैंने, पता नहीं मैं इतने घंटों से क्या कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी टोटल 2 घंटे में यार मेरे को सैंड ग्रेवल जमा करने के बाद मेरे को जो है नेक्स्ट डे यार मैं फ्लैग बनाने वाला हूँ। तो आज चलो यार फटाफट सैंड और ग्रेवल जमा करते हैं। और मुझे ये जगह अच्छी लगी, क्योंकि इधर यार ग्रेवल और सैंड भर भर के, तो मैं अपनी फटाफट इधर सल्कर प्लेस कर देता हूँ। हाँ, मुझे इतने सल्कर प्लेस करने भी नहीं थे इधर, बट मैं कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत भी नहीं है, बाद में पता चलता है। क्योंकि यार देखो, मैं बनाने वाला था जो फ्लैग है ना, और बहुत ही बड़ा, और फिर मेरे को लगा यार कि नहीं भाई इतना बड़ा बना नहीं सकता, क्योंकि मेरे को घंटों लग गए थे, तो मैंने यार छोड़ दिया। और हाँ, मेरे को जगह अच्छी लग रही है, मैं इधर क्या बिल्ड बनाऊँ, बट यार बनाने का मन नहीं कर रहा था, छोड़ो। और यार मैंने इधर से फटाफट इतने सारे जमा कर लिए कुछ सेंड्स वगैरह वगैरह, और मैं मतलब इधर होम सेट करके इधर उधर जा रहा था। और मैं सल्कर, क्योंकि अपने साथ इतना उठाने का यार मन ही नहीं कर रहा था, जगह ही नहीं थी, तो मैं इधर से यार दूसरी जगह गया था। तो उधर पहाड़ पे उधर दिख रहा है ना साइड में, उधर गया था, उधर मिल चुका था यार मेरे को बहुत सारे सेंड्स मिले थे। और ग्रेवल तो बहुत ही हार्ड नहीं होता, मतलब पानी के अंदर मिल ही जाता है। और इधर यार आके मैं एकदम सेंड्स कह रहा हूँ डर्ट लगाने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को इधर ही बनाना था फ्लैग, और ये जगह थोड़ी एक्सपेंड कर रहा हूँ। और यार फ्लैग में कितने ब्लॉक का बनाने होता मेरे को याद नहीं आ रहा, बट यार मैंने बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। और पता नहीं इस भाई साहब को क्या तकलीफ हो जाती है मुझे मारने के लिए, आज ही सब मेरे पीछे पड़े, और मेरे पीछे क्रीपर भी फूट गया था। इसको मारने के बाद यार कि छुटकू बहुत खतरनाक होती है भाई, एकदम पता नहीं स्पीड 5 का पोषण पी के आता भाई, स्पीड 5 का पोषण पी के आते मेरे को लगता है। और ये देखो क्रीपर फूट गया था इधर, और मैं बाकी यार उधर लगा देता हूँ, ये फटने आ जाते यार कोई भी यार। और ये देखो यार, ये हमारे कॉन्क्रीट से जिनसे मैं बनाने वाला था आज फ्लैग, तो मैं यहाँ तक बनाने लग गया था, बट यार मेरे को बाद में पता चला कि भाई ये तो बंदे देख ही नहीं पाएंगे इतने दूर जो बना रहा हूँ, मतलब इतना ऊंचा यार कोई देख ही नहीं पाएगा मतलब। और मैंने इधर कुछ लगाने के बाद यार मैं गया उधर स्पॉन पे देखने के लिए कैसा लग रहा है, तो फिर यार मैंने पूरा नीचे कर दिया, क्योंकि भाई बंदे देख ही नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा यार फ्लैग बनाने का। तो फिर इधर यार मैं लगाने जाता हूँ भर भर के कॉन्क्रीट, और जो हमारे हर्ष भाई उनको मैं कहता हूँ कि भाई जाके वेदर स्कल के हेड लाओ, क्योंकि हमें वेदर को मानना है। और इस वेदर को मानने के बाद हम लोग बीकन लगाएंगे एकदम अपने फ्लैग के बाजू में, वो भी फुल डायमंड, यस गाइस, मतलब डायमंड भर देंगे पूरा बीकन में, और बीकन अमीरों वाला लगेगा। वो डायमंड पता है मैं भीख मांग के लूँगा निंजा भाई सर, थोड़े मैं भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी डायमंड है यार। और फाइनल में हमारा जो मतलब ये फ्लैग था ये कंप्लीट हो जाता है, और इधर मैं तो डायमंड लगा देता हूँ। हाँ, ये फ्लैग मैं 26 तारीख को बना रहा था, सामान मैंने 25 तारीख को जमा किया था, कुछ और नहीं है गाइस। और देखो गाइस फ्लैग कैसा लग रहा है, और यार एकदम भाई कमेंट में भर दो जय हिंद करके सब यार, और बताओ यार कैसा लग रहा है कमेंट में भी। और यहाँ मुझे पता है नीला वाला थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, मतलब बीच में जो ब्लू है, बट यार चलता है। और मेरे को यार ना ऊपर गड़बड़ लग रही थी कि मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इधर यार आ जाता हूँ एक डायमंड ब्लॉक लेके, और मैं इधर लगा देता, बट मुझे क्या पता था और भी भाई बेकार दिखेगा ये डायमंड ब्लॉक लगाने के बाद, बट मैं लगा देता हूँ यार कि अच्छा लगेगा, बट लगता नहीं है यार। उड़ के देखूंगा तब पता चलेगा गाइस, रुको मैं उड़ता हूँ 2 मिनट। और यार मेरी न्यू स्किन आपको बाजू में दिख रही होगी, बताना यार कमेंट में कि मेरी न्यू स्किन कैसी लग रही है। बहुत मुश्किल से बनाया, बहुत मुश्किल से बनाया गया मैंने यार, देखो क्या ही लग रहा है अपना फ्लैग यार, ओपी लग रहा है। और यहाँ हम आ जाते यार पूरे वेदर को मानने के लिए, सब बंदे एसएमपी के, सब तो नहीं यार मतलब 60% बंदे आ गए थे यार। और ये देखो कितने सारे बंदे, और थैंक यू गाइस ऑल ऑफ इतनी मेहनत करने के लिए, और को फटाफट मिल मतलब फाइनली मिल चुका है नेदर स्टार, जिससे हम वेदर नहीं बीकन बनाने वाले हैं। और ये देखो टॉप लेफ्ट को पता नहीं क्या हो जाते, वो मतलब निकल जाते गेम से, फिर आता है वो, और देख लो यार बंदे कितने सारे। और यहाँ नितिन भाई और मैं जगह और भी एक्सपेंड करने लग जाते, क्योंकि यहाँ बनाने वाला था मैं बीकन और फुल डायमंड का, ओके। और ये देखो यार हमारा फ्लैग इधर बाजू में है, तो इधर ही बनाएंगे, क्योंकि फ्लैग से थोड़ा ऐसे चिपका हुआ रहना चाहिए ताकि अच्छा लगे यार फ्लैग की, वही पूछो मत इंडियन फ्लैग क्या ही लग रहा है हमारा आज। और इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगा है, और आपको लाइक करने में 1 सेकंड नहीं लगा था, और फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो अच्छी लगी तभी करना सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि मैं
और भी वीडियो लाने वाला हूँ। और भाई मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाहता हूँ, बट यार ये देखो मैं इधर फाइनली इतने सारे डायमंड्स ब्लॉक है मेरे पास। हाँ मैं गरीबों की तरह यार मैं ऐसे लगा रहा था, पूछो देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे लगा रहा था। मैं ऐसे लगा रहा था अंदर से पूरा यार खाली है, ओके मैं ऐसे लगाना चाहता था, बट बाद में मेरे को लगा कि मैं अपने कुछ सल्कर्स से डायमंड वायमंड उठा लाता हूँ, बट मेरे को पता नहीं था मेरे सल्कर्स में डायमंड रखे। जब मैं जाके चेक करता था तब पता चलता है यार मेरे सर्कल्स में भी डायमंड रखे। और फाइनली यार देखो ये कुछ बीकन ऐसा बन चुका था और पूरा अंदर से भी डायमंड ही डायमंड है यार। अब देखो यार कैसा लग रहा है, मैं आपको दूर जाके भी दिखा देता हूँ, पहले इधर से दिखा देता हूँ कि अंदर ही डायमंड डायमंड भरे पड़े। और इसमें यार डायमंड जो दिया है वो है निंजा भाई ने, जिन्होंने हमें एक स्टैक प्लस डायमंड दिया, मतलब एक स्टैक से थोड़ा ज़्यादा ही दिया था। और हमारे हर्ष और आवारा भाई ने सिर्फ एक डायमंड ब्लॉक दिया था, ओके हाँ सॉरी डायमंड नहीं डायमंड ब्लॉक दिए थे सब ने, मतलब निंजा ने वन स्टैक प्लस डायमंड ब्लॉक दिए थे, आवारा ने एक डायमंड ब्लॉक दिया था आवारा हर्ष ने, और बाकी मेरे इधर तीन से चार स्टैक डायमंड ब्लॉक लगे थे। और देख लो अंदर से पूरा हम लोगों ने डायमंड ही डायमंड से भर दिया, एकदम अमीरी अमीरी यार। और ये न्यू बंदा हमारे मतलब एसएमपी में जाना था जिसका नाम है अयान, और इसने यार एप्लीकेशन वीडियो बनी थी। और अगर आपको भी हमारे एसएमपी में जाना था यार फटाफट जाके एप्लीकेशन वीडियो बनाओ, और डिस्क्रिप्शन में हमारे यार डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, उसमें जाके यार ज्वाइन हो जाओ फटाफट, और मुझे डीएम करो या मैसेज कर दो कि भाई मैंने एप्लीकेशन वीडियो बनाई और लिंक दे दो, और यार फटाफट देख लो यार कितना ही अच्छा लग रहा है ये बीकन हमारे एसएमपी में। बाय बाय।